तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को आज 7 दिन हो चुके हैं। ये जो इनकी यात्रा में लाखों की तादाद में जनता आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या ये जनता सिर्फ सड़क पर दिखाई दे रही है, वोट में तब्दील नहीं होगी? इनकी यात्रा शुरू हुई है मुजफ्फरपुर से लेकर सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, आरा, सासाराम, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, लगभग 18 जिला पार कर चुके हैं और अभी कहां तक जाएंगे पता नहीं। लेकिन इस शुरू से लेकर आज तक 7 दिन में 18 जिले पार करना, एक एक दिन में 18-18 घंटे तक यात्रा करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये जो लाखों की तादाद में जन सैलाब आ रही है, जनता की जो सपोर्ट मिल रहा है, बीजेपी और बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं। क्या लगता है आपको कि इसका फर्क नहीं पड़ेगा? इस बार 34 साल के तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू इन दोनों को चैलेंज कर दिया है। इन दोनों को बता देंगे कि बिहार में अगर कोई पार्टी है नंबर वन तो वह है आरजेडी। इस भीड़ को देखकर जहां बिहार के युवा बेरोजगार हैं, जहां तेजस्वी यादव ने उनसे वादा किया है कि हम बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे और बहुत कुछ वादा किया है, आप ये पहले ये थोड़ा ये वीडियो देख लीजिए, 1 मिनट का है, उसके बाद फिर हम आगे बोलेंगे, आगे भी आपको 1-2 वीडियो दिखाएंगे, देखिए। और 2020 में जब हम कहते थे कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे तो यही नीतीश कुमार जी हमारे चाचा क्या कहते थे कि कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके देगा पैसा। लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान करते रहे, इज्जत करते रहे, और पता नहीं अचानक से बिना बताए आप जो है भाजपा में चले जाते हैं, तो कोई रीजन नहीं है। और जब तक स्थिरता नहीं रहेगी बिहार में सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है। और आप बताइए, जब मुख्यमंत्री 20 में कहते थे असंभव है नौकरी देना, कहां से देगा 10 लाख, लेकिन जब आपका बेटा भाई 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहा तो उन्हीं से हमने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बटवाया। देखिए, हम नहीं सोचते हैं, नया बिहार बनाना है, आप लोगों की तरक्की हो, हमारी यही कामना है। अपने लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हम 2-2 मुख्यमंत्री के बेटा हैं। क्या लगता है आपको, क्या बिहार की जनता तेजस्वी यादव की इस बात पर विश्वास करेगी? अगर बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव के इस बात पर विश्वास कर लिया तो इस बार बिहार की राजनीति कुछ और होगी। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ये जो तेजस्वी यादव का कद ऊंचा हुआ है ना, इस बार बता देंगे ये कि हाँ, अगर कोई है बिहार में तो वो तेजस्वी है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।